के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों व्यूज के लिए भी कोई इतना गिर सकता है नीचे? नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो कुछ अलग ही टॉपिक है। मतलब सोशल मीडिया पर इतना तेज़ी से ये चल रहा है और पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी परसेंटेज सच्चाई है, कितना परसेंट झूठ है, कुछ पता नहीं। मैं तो दोस्तों यही मानती हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो एक जाना माना चैनल है और अच्छे यूट्यूबर हैं जिसका नाम है रानी कुमारी ऑफिशियल। वो अपने गोरखपुर साइड की है रानी कुमारी ऑफिशियल। तो बताया जा रहा है कि वह मतलब एक हीरोइन बनने के चक्कर में वो यूट्यूब पे जब थोड़ा सा मतलब उनके सब्सक्राइबर हो गए, अच्छा खासा वो थोड़ी फेमस हो गई हैं, तो हीरोइन बनने के चक्कर में उसने अपने पति को छोड़ के भाग गई है, ऐसा हो रहा है वायरल। तो उनके जो पति जी हैं वो गए थे मिस्टर विष्णु राज जो हैं और मालती चौहान उनके पास में गए थे। मतलब उनसे एक मतलब उन्होंने वीडियो बनाए क्योंकि उनका बड़ा चैनल है तो उनके वीडियो उनके थ्रू बनाया जाएगा तो ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचेगा। तो इसके लिए उनका जो पति है वो उनके विष्णु राज के पास में गया था। तो मतलब बहुत ही उल्टा सीधा बातें उसके पति ने, देखो मैं तो यही बोला अगर उसके पति को रखना रहता उनको ना, रानी कुमारी ऑफिशियल जो चैनल है अपने उनकी पत्नी का है, तो अभी भी उनकी पत्नी वीडियो अपलोड कर रही है। बट कहीं पर भी ये नहीं मालूम है कहाँ पर है वो कहाँ नहीं, लेकिन जहाँ कहीं भी है उनका भी एक वीडियो आया था। अभी दो तीन दिन से उनका भी वीडियो आ रहा है तो वो बोल रही हैं कि मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने घर नहीं आना चाहती हूँ, मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। क्योंकि उसके घर वाले जो थे रानी कुमारी ऑफिशियल के मतलब बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। उनका जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उनके चैनल पर जाके देख लीजिए। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोले हैं कि बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं कि तू ये है वो है, उनका पति भी बहुत उल्टा सीधा बात मतलब बोल दिया है। और जब विष्णु राज जी के यहाँ मतलब वीडियो बनवा रहा था वो बोल रहा है, उनकी एक बेटी भी है, छोटी बेटी है, तो वो बार बार बोल रहा है कि मुझे मेरी बेटी लाके दे दे, मैं तुझे तलाक दे दूँगा, मुझे बेटी दे दे लाके। तो और रानी कुमारी बोल रही है कि मैंने 9 महीना लेके इसको पाला है तो मैं इसको नहीं दूंगी। और रही बात, तो मुझे एक बात मतलब हंसने को ये आ रहा है कि उनका आदमी जो है वीडियो में बोल रहा है कि ये अंडा चावल खा के भाग गई और बर्तन भी नहीं धुली है। तो दोस्तों बताओ ये सब बात बोलने वाली है? हाँ, बर्तन भी नहीं धुली है मतलब कि जिसको भागना रहेगा तो क्या वो बर्तन वर्तन धुल के जाएगा? बोल रहा है पीतल का बर्तन था, बर्तन लेके भाग गई है, सोना लेके भाग गई है, कपड़ा लेके, भाई चलो कपड़े के लिए मान सकते हैं, सोना के लिए मान सकते हैं, लेकिन बोल रहा है अंडा चावल खाए उसने बर्तन भी नहीं धोया और पीतल का बर्तन था वो सब लेके भाग गई है। और जो रानी कुमारी है उनके चैनल पे अपलोड हुआ वीडियो तो वो बोल रही है कि मैंने सोना कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, मुझे क्या चढ़ाया गया था, मुझे कुछ भी चढ़ाया नहीं गया था। तो देखते हैं वो लोग क्या होता है। और रही बात भाई उनकी मर्जी है, आजकल जो है वो क्या गलत कर रही है क्या सही कर रही है, कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि उनको समझाया जाए बताया जाए। तो उनको जो सही लगता है भाई वो हो गई रहेंगी, परेशान हो गई रहेंगी, कुछ कारणवश वो नहीं आना चाहती हैं। बोला जाता है आदमी जब कुछ कदम उठाता है ना, कुछ भी कदम उठाता है ना, तो जब ज़्यादा हो जाता है तभी वो इतना बड़ा फैसला लेता है। तो हो सकता है ये भी बात, क्या पता रानी कुमारी के साथ में कुछ ज़्यादा हुआ रहेगा इसलिए उसने इतना बड़ा मतलब कि कदम उठाया रहेगा कि अपनी लड़की को लेके वो हट गई वहाँ से, उस रास्ते से। होगा भाई, आपसी मैटर है, फैमिली मैटर है, तो फैमिली मैटर के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो भाई जो उनको समझ में आता है उनके हस्बैंड को कि तलाक देना है, डिवोर्स देना है, क्या करना है वो समझे। और रही बात भाई विष्णु राज जो थे वो भी मतलब कि जब नहीं कुछ जानते थे, रानी कुमारी का वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था तो वो भी गलती नहीं जान रहे थे। अब उनका पति जो जो जाके उनको बोल रहा था वो वीडियो अपलोड कर रहे थे, वो बता रहे थे वो। लेकिन जब उनको उनसे कांटेक्ट हुआ विष्णु राज से और रानी का जब कांटेक्ट हुआ, जब उन्होंने अपनी बातें बताई वीडियो के थ्रू बताई,
तब जाके उन्हें भी समझ में आ गया है। तब अब विष्णुराज भी साफ साफ कह रहे हैं कि भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे बीच में, जो आपकी मर्जी है आप करें, जो उनका फैसला है वो करें। तो आपस में एक दूसरे समझ लो। मैं तो यही खास बोलना चाहती हूँ, अगर रानी कुमारी का मन है रहने का अपने पति के साथ में तो वो आ सकती है, लेकिन उनके पति की भी गलती है, जब उसको रखना था अपने पास में तो इतना सोशल मीडिया पे आके, मतलब इतना अफवाह, इतना झूठा ये वो। चलो भैया सच भी था, लेकिन ये सब नहीं ना उड़ाना चाहिए था फालतू बातें कि ऐसा की ये की वो की। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितने लोगों का तो कमेंट आया है उनके चैनल पे कि ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए, क्या व्यूज के लिए भी कोई हस्बैंड वाइफ इतना नीचे गिर के रह सकता है।